अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से हैं। मेरी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जो आपकी शुरू हो गई है। अच्छा जी, हम लोग आए हुए हैं मेरे हस्बैंड के दोस्त के ऑफिस में और ये एक स्टूडियो है और मैं बहुत बेपी थी और मैंने इन्वाइट किया यहाँ पर, तो मैं आपको इनका पूरा विजिट करवाती हूँ। यहाँ पर जो है ना ड्रामों की शूटिंग्स होती हैं और मॉडल्स वगैरह तैयार होती हैं और सारे ड्रामों की एडिटिंग वगैरह सब यहाँ होता है। तो मैं आपको दिखाऊँगी, मैं पूरा आपको विजिट करवाऊँगी इस ऑफिस का। तो मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ और मैं पूरा ऑफिस आपको दिखाऊंगी कि जहाँ पे शूटिंग्स होती है, जहाँ पे मॉडल को तैयार किया जाता है, जहाँ पे ड्रामों की एडिटिंग वगैरह होती है, उनका ऑफिस, सिटिंग एरिया, सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लाइट्स वगैरह जहाँ पे ये सब होता है। तो ये मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो आप लोगों के साथ ही मैं शेयर करती हूँ। चलिए मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हम लोग, ये एंट्रेंस है इनका, यहाँ से अंदर आते हैं। ये देखें, मैंने वॉइस ओवर इसलिए कर दी क्योंकि शोर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने कहा आपको क्लियरली आवाज़ मेरी नहीं आएगी, तो मैंने आपको कहा मैं वॉइस ओवर करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा जी, ये जब हम इंटर करते हैं तो ये एक रूम आता है, इसमें इन्होंने कुछ चेयर्स और अपनी कुछ लाइट्स, कुछ स्टैंड वगैरह रखे हुए हैं। ये इनका ऑफिस है, यहाँ पे आई थिंक कोई डिस्कशन चल रही थी क्योंकि इसमें जाने के बाद भी कोई मॉडल आनी थी, किसका शूट था, इतना टाइम मेरे पास था नहीं, मेरे हस्बैंड को देर हो रही थी तो हम लोगों को आना पड़ा, वरना हमारा इरादा था कि हम वो शूटिंग में हों और वहाँ पर अपना व्लॉग बनाएँ। बट नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे बहुत सारे व्लॉगिंग मेरे देखने को मिलेंगे, मॉडलों के साथ, एक्टरों के साथ काफ़ी आपको व्लॉग देखने को इंशाल्लाह मिलेंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये इनका सिटिंग एरिया है। देखिए, आपने वो देखेंगे सूट भी टंगे हुए थे वहाँ पे मॉडलों के, और ये सारी लाइट्स वगैरह आपको सब नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये इनका मेकअप रूम है, यहाँ पे जो मॉडल जिसकी शूटिंग के लिए जा रही होती हैं तो पहले यहाँ पर उनको होता है मेकअप, ये इनका मेकअप रूम है। और यहाँ पर भी देखें आप, लाइट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं और सारे सूट्स मॉडल्स के जो उनके पहनने वाले होते हैं, जो उन्होंने पहनने होते हैं, वो भी यहाँ पे देखें अवेलेबल है। मैं आपको उसमें से कुछ दिखाती भी हूँ। अच्छा, ये एक प्रोफेशनल है, ये स्टूडियो है जहाँ पे सारे यूट्यूबर्स भी आते हैं, टिकटॉकर्स भी आते हैं, ड्रामों की शूटिंग होती है, एडिटिंग होती है, वॉइस ओवर सब होता है इधर। ये कुछ सूट हैं। अच्छा, ये प्रोफेशनल वर्क होता है इसलिए, तो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे तो मैंने कहा मैं जाके यहाँ पे एक व्लॉग लाजमी बनाऊँगी, आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। देखें, ये सारी लाइट्स वगैरह हैं जिसके साथ ये लोग अपना प्रॉपर एक वर्क करते हैं, क्योंकि ज़रा प्रोफेशनल काम हो रहा है तो प्रोफेशनल चीज़ें भी यूज़ होती हैं, आपको पता है। अब हम जाएंगे एडिटिंग वाले रूम में, जहाँ पे हमारे ड्रामों वगैरह की एडिटिंग वगैरह होती है और जो वॉइस ओवर, जो म्यूज़िक वगैरह, जो बैकग्राउंड, वो सब यहाँ पर होता है। ये भाई करते हैं काम, बहुत अच्छी एडिटिंग वगैरह करते हैं, इनसे मैंने बात की थी, बहुत काबिल हैं भाई माशाल्लाह से। तो इन्होंने बताया था कि मैं इस तरह यहाँ यहाँ इस तरह करता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा इनसे पूछा और मैंने कहा चलें ये भी थोड़ा आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाए। तो ये देखें, यहाँ पे भी सारी एडिटिंग का रूम है, यहाँ पे सिर्फ एडिटिंग वगैरह होती है। अब इसके आगे देखें, हम दोबारा जाएंगे अपने सिटिंग एरिया में, और सिटिंग एरिया में मैंने आपको दिखा दिया है कि सारा यहाँ पे लाइट्स, ये जहाँ पे जो मॉडल्स वगैरह आती हैं, जो एक्टर्स आती हैं, वो यहाँ बैठती हैं, देन वो अपने शूट पर जाती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, ड्रामों की शूटिंग के अलावा इधर टिकटॉकर्स भी आते हैं, यूट्यूबर्स की भी इधर व्लॉगिंग होती है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी व्लॉगिंग बना के जाते हैं। तो सर यहाँ पे सभी आते हैं, यहाँ पे ड्रामों की शूटिंग भी होती है, व्लॉगर्स भी आते हैं, यूट्यूबर भी आते हैं, टिकटॉकर्स भी आते हैं, इधर सब आते हैं। तो मैं भी जाऊँगी, तो मेरे हस्बैंड के दोस्त, इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड के दोस्त थे ये, तो उन्होंने इन्वाइट किया, तो मैं आज यहाँ हूँ और मैंने आपको सब पूरा दिखाया है और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, और ऐसे बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बस आप लोगों ने कहीं जाना, मेरी वीडियो पे बने रहना है। देखिए, जो आपके पंप्स देखे कितने प्यारे पंप्स पहन कर आएंगे, जो आपका फूल के लिए प्यारा सा ड्रेस लग रहा है।